हेलो बीएड के बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का लेटेस्ट सिलेबस, जिसमें मैं कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा ईजी है, किस में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस में कम मेहनत करनी है और किस में किस तरीके से और आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। वो सभी चीज़ें ना आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। आपको पता है इस एम एजुकेशन चैनल पर आपको बीएड की सभी क्लासेस, प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप कनेक्टेड मुझसे ज़रूर रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें करने हैं। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपको किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट। पहले तो हम बात करते हैं कि बीएड में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन होते हैं, चाहे आप आर्ट साइड से हो, आप कॉमर्स से हो या आप साइंस साइड से हो। आपको ये टोटली 4 सब्जेक्ट ही फर्स्ट ईयर में करने होते हैं। हर एक बच्चे को सेम सब्जेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट साइड का इसके लिए अलग होंगे, साइंस के लिए अलग होंगे, वो चीज़ें सेम हैं आपकी फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर का मैं अलग से शेयर करूँगी, वहाँ देख लेना। तो जो सबसे हमारा सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस कराऊंगी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए क्लासेस यूजफुल रहेंगी, तो उसमें आप डाउट में मत रहना। सेकेंड थिंग, जब आप बीएड अच्छे से कर लेते हो तो सीटेट यूपीटेट जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें नंबर लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ें आपको आगे जाके पढ़नी होती हैं जो आप यहाँ से पढ़ के जाते हो। माना कि आप रट के भी बीएड में पास हो जाओगे, बट अगर आप उसे से करोगे तो आपकी जो आगे की मेहनत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा अलग भी है। इसमें आपको आपकी जो एंशियंट भारत है, यानी कि पहले जो लोग थे, जो हमारा मैं बात करती हूँ अगर बौद्ध काल की, है ना, वैदिक काल की, यानी कि ऋषि मुनियों के टाइम की जो टाइम था, जो उस टाइम एजुकेशन कैसी होती थी, ठीक है, या एजुकेशन कैसी होती थी उस टाइम हमारे इंडिया में, इस चीज़ को हम अच्छे से इस सब्जेक्ट में करते हैं। ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड है भारत के दार्शनिक एवं सामाजिक शास्त्र परिक्षेप्य, यानी कि फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा टफ है, इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा टफ है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत इस सब्जेक्ट में करनी होती है पास होने के लिए। तो ये सब्जेक्ट आपका मैं इसे हार्ड मानती हूँ, और सब्जेक्ट फिर भी ठीक है, बट बच्चे के लिए ये थोड़ा सा हार्ड है। बट डोंट वरी, आप मेरी क्लासेस देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड है आपका अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। ये आपका नॉर्मल है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो सीटेट यूपीटेट में आपकी पैडागॉजी होती है ना, या वो बिल्कुल इस पेपर का, मैं बता सकती हूँ कि सीटेट यूपीटेट जो आपके DSSB सब्जेक्ट्स हैं जो टीचर्स के लिए होते हैं KVS को, उसमें 50% आपका इससे रिलेटेड होता है। जो आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, जो आप पैटर्न पढ़ते हो, वो आपके इस सब्जेक्ट में। तो अगर आप बीएड में इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो आपके लिए चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। फोर्थ है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम शिक्षा शिक्षण एवं तकनीकी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, थोड़ी सी अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, बट आपके लिए इजी रहेगा। जहाँ पे बीएड की मैं बात करती हूँ, देखो सब्जेक्ट आपके लिए डेफिनेटली अलग है। अगर आप साइंस साइड के बच्चे हो तो आपके लिए चीज़ें अलग होंगी, बट आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स भी गेन करते हो, और बहुत इन रियलिटी में अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो अगर आपको ये मेरा आज का बेसिक साइंस टू पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट भी आप कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक की, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है, और आपको हर एक सब्जेक्ट की इंटर्नशिप हो, चाहे आपका कोई भी प्रोग्राम हो, उसकी क्लासेस मेरे चैनल एम एजुकेशन पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।